बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपने किचन में बीफ कोरमा रेसिपी तैयार करूँगी, जो कि बहुत ही आसान और मजेदार रेसिपी है। तो चले आए बनाना शुरू करते हैं। बीफ कोरमा रेसिपी में जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल होंगे वो सब ये हैं। तो ये मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी जब मैं रेसिपी तैयार करूंगी कि कौन कौन सी चीजें किस टाइम और किस वक्त जो है ये ऐड करनी है। तो चलिए आए बनाना शुरू करते हैं। ये स्टेप नंबर वन है, 1 किलो हमारा बीफ का गोश्त है, इसको हम बॉईल करने लगे हैं प्रेशर कुकर में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 3 ग्लास तकरीबन हमने पानी डाला है और ये आधी चम्मच हमारा ये नमक है, ये मैं ऐड कर रही हूँ। इसको मिक्स करके कवर करेंगे। आपने मेरी वीडियो शुरू से लेके एंड तक लाजमी देखनी है ताकि आपको मेरी रेसिपी की अच्छी तरह समझ आ सके। प्रेशर कुकर को हमने कवर कर दिया और वेट जो हमने ऊपर रख दिया, तो ये जब प्रेशर बनेगा घंटी बोलेगी तो उसके बाद फिर हमने 20 मिनट काउंट करने हैं, 20 मिनट हमने इसको बंद करना है। तो 20 मिनट बाद दोबारा मिलते हैं। तक हमारा गोश्त बॉयल होता है इतनी देर में हम प्याज को ब्राउन कर लेते हैं। तो ये सबसे पहले तो हम ऑयल डालते हैं, ये बस थोड़ा सा ही हमने ऑयल डाला है। और ये 2 प्याज हैं हमारे, ये वाले मैंने बारीक काटे हुए हैं, ये सारे इसमें ऐड कर लेंगे। और ये थोड़ा सा जब नमक है, ठीक है, ये मैं डाल रही हूँ। ये अब इसको हमने फ्राई करना है प्याज को लाइट। जो मेरी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। 20 मिनट हमारे हो चुके हैं, गोश्त हमारा बॉयल हो चुका है, चेक मैंने कर लिया है। तो इसमें से यखनी सी थोड़ी सी वो मैंने अलहदा से जग में रख ली है। तो ये वाली यखनी है हमारी, इसको मैं कौरमे में यूज़ करूँगी। नंबर हमारा 3 है और कौरमे के लिए हम ग्रेवी तैयार करेंगे ग्राइंडर में। तो ये 3 चीज़ें मैं लूँगी, टमाटर हैं, दही हैं और प्याज हमने हमारे ब्राउन किए हुए। ये दही मेरा आधा पाव है, ये सारा मैं इसमें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये मेरे प्याज हैं जो मैंने ब्राउन किए थे, ये भी मैंने सारे इसमें ऐड करने हैं। ये 2 बड़े साइज के टमाटर हैं मेरे, ये भी मैंने सारे मैंने इसमें ऐड करने हैं। बिस्मिल्लाह। अब इसको बंद कर देंगे। ये जी स्टेप नंबर हमारा 4 है, कढ़ाई हमने चूल्हे के ऊपर रख ली है, चूल्हा हमने ऑन कर लिया है। अब इसमें ऑयल डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 चम्मच मैंने ऑयल डाला है। अभी ये ऑयल हमारा गर्म होता है तो फिर अगला मैं प्रोसीजर आपको बताती हूँ। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है तो ये हमारे सारे मसाले हैं, 1-1 टेबल स्पून है, बाकी ये 5 सब्ज़ इलायची हैं और ये दालचीनी के 2-3 पीस हैं और ये हैं साबत काली मिर्च हैं, तकरीबन 14-15 दाने हैं और 7-8 दाने लौंग के हैं और ये तेज़पात का 1 पत्ता है जो मैंने तोड़ लिया है, ठीक है। और ये सूखा धनिया हमारा, ठीक है, पिसा हुआ। तो ये सारा हम इसमें ऐड करेंगे। सबसे पहले तो इसको ऐड करते हैं, ये तेज़पात का पत्ता है हमारा, ये सारे मसाले हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको हल्का सा ही ब्राउन करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये हमारा अदरक और लहसुन का 1-1 टेबल स्पून है, ये दोनों हम सारा इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारा ब्राउन हो चुका है अदरक और लहसुन का पेस्ट। अब ये जो हमारा ग्रेवी के लिए मैंने जो चीज़ें तैयार की हैं ये मैं सारी इसमें ऐड करूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ग्रेवी के लिए जो चीज़ें मैंने
ऐड की हैं, बिल्कुल इसी तरह आपने भी इसी तरह ऐड करनी है ताकि आपका जो ग्रेवी है, कोरमा है, वो अच्छा जायकेदार बने। तो इसको भी हमने अभी फ्राई करना है 2-3 मिनट, ठीक है जी। हमारी ये नमक और मिर्च है, ये सारी 1-1 टेबल स्पून है, ये कुटी हुई मिर्च है और ये पिसी हुई मिर्च है, वो हल्दी है, ये नमक है, ये सारे मैं इसमें ऐड करूँगी। अब इसको मैंने 3 या 4 मिनट फ्राई करना है, कवर करके, कवर कर देना है। ये जी 3-4 मिनट हमारे हो चुके हैं, कवर हम उतारते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें हमारा मसाला जो है ये भुन गया। अब इसमें हम ये गोश्त है बॉईल किया हुआ, ये सारे इसमें ऐड कर देंगे। अब इसको हमने फ्राई भूनना है तकरीबन 7-8 मिनट या 10 मिनट, ठीक है। इसको अब भूनेंगे और साथ साथ ये जो यखनी है ये भी साथ साथ थोड़ी थोड़ी इस तरह डालते जाना है, ठीक है। 10 मिनट तक हम इसको फ्राई करेंगे। अब इसको कवर कर देंगे 10 मिनट के लिए और बीच बीच में देखते रहना है, चम्मच को हिलाते रहना है। अच्छा, ये 8 मिनट हमारे हो चुके हैं, ये कवर मैं उतारने लगी हूँ। देखिए माशाल्लाह खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो ये अभी हमारा जायफल है और बादियान का फूल है, इसको मैंने लंगरी में पीस लिया है। तो अब ये इसमें मैं सारा ऐड करूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और इसको सिर्फ 2 मिनट मैंने कवर करना है, फिर हमारा कोरमा जो है ये माशाल्लाह तैयार हो जाएगा। अच्छा जी, ये जायफल जो मैंने डाला है इसकी माशाल्लाह जो खुशबू आएगी कोरमे की, क्या बात है, भूख तो फिर आपको ऐसी लगेगी आप। 10 मिनट हमारे हो चुके हैं, कवर अब उतारते हैं। देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त खुशबू आ रही है इसकी, कोरमा हमारा तैयार हो चुका है। तो अब हम इसको डिश आउट करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी रेसिपी तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी, तो इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।